फ्रेंड्स, आई एम ज़रक शाहजेब और आप देख रहे हैं ज़रक क्रिएशन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं गिलास पेंट बनाना आपको सिखाऊंगा और रिक्वेस्ट डिमांड पर ये गिलास पेंट बना रहा हूँ। बहुत ही अलग किस्म का और बेस्ट गिलास पेंट है। वीडियो एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना कि आपने यहाँ पर नेम टाइप करना है। कोई भी आप नेम लिख सकते हैं, जैसा कि मैं नेम टाइप करूँगा नैला। नैला नेम लिखने के बाद आपने करना कि आपने आने ए बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। ए बी वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने इस पर ये फॉन्ट लगा देना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसकी पैडिंग करके इसका साइज़ जो है ना जी इंक्रीज़ कर लेना। साइज़ जितना भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आपने इस पर एक और फॉन्ट लगा देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में एफ़ लिखूँगा। एफ़ लिखने के बाद आपने ए बी वाले ऑप्शन में आना है, इस पर एक और फॉन्ट लगाना है, ठीक है। जितने फॉन्ट्स मैं यूज़ करूँगा इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लगाने के बाद आपने इसकी मैं फिर कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर ए बी सी लिखूँगा। इसके बाद आपने फिर ए बी वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर एक और फॉन्ट लगा देना है, ठीक है। बोनस आर्ट फॉन्ट लगा देना है, बहुत यूज़ होने वाला फॉन्ट है, ठीक है। ये आप किसी भी गिलास फॉन्ट के ऊपर लगा ले तो बहुत बेस्ट लगता है ये, क्योंकि ये यार बहुत यूज़ होता है। तो ये भी मैंने लगा लिया। अब आपने करना है कि इसकी कर देनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आई लिखना है। आई लिखने के बाद आपने फिर ए बी वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर एक और फॉन्ट लगा देना है, ठीक है, ये वाला। और ये डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। इसको आपने यहाँ पर ले आना है, ठीक है। ले आने के बाद आपने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है और ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपने नीचे देखना अल्ट्रा सेव टू गैलरी, ठीक है। अल्ट्रा रख के सेव टू गैलरी करके सिंपली पीएस टच ऐप में चले जाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर पीएस टच में मैंने पिक भी ऐड कर ली और नेम भी ऐड कर ली। अब आपने फर्स्ट लेयर पर क्लिक करके प्लस पे क्लिक करना और डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक कर देना तीन दफ़ा। टोटल चार लेयर होनी चाहिए, ठीक है। हम चार लेयर पर काम करेंगे। अब आपने करना क्या है, ये ऊपर तीनों जो है ना इनको कर देना है हाइड आपने, ठीक है। इनको हाइड कर देना। अब आपने आ जाना नीचे वाली लेयर पर, इसको सेलेक्ट कर देना है। एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने ड्रॉप शेडो में आ जाना है। ड्रॉप शेडो में आने के बाद आपने इसका जो एंगल है ना ये 140 पे कर देना है, ठीक है, 140। और इसका जो ब्लर है ये 5 पे करना है और जो डिस्टेंस है ना ये 6 पे कर देना है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने ऊपर वाला लेयर में ना इसका जो है ना इसको पहले ऑन करना है, फिर यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपने करना है कि इस लेयर को सिलेक्ट रखना है। आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने आना है ग्रेडिएंट में, ठीक है। ग्रेडिएंट में आ गए। ग्रेडिएंट में आपने ये वाला सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से आप बना भी सकते हैं, ये बना हुआ है, मैं यहाँ पर ये वाला लूँगा। और आने के बाद आपने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से फ्रेंड डार्कन कर देना है। डार्कन हो गया। डार्कन करने के बाद आपने ऊपर वाली लेयर में आ जाना है, ठीक है। ऊपर वाली लेयर में आने के बाद सिलेक्ट पिक्सल ही रहने देना। फिर अगेन आपने इसी ऑप्शन में आना है। फिर आपने ग्रेडिएंट में सिलेक्ट कर देना है। ग्रेडिएंट पर सिलेक्ट करने के बाद इस दफ़ा आपने कोई और ग्रेडिएंट लेना है, ठीक है। कोई भी आप लेना चाहें ग्रेडिएंट ले सकते हैं। तकरीबन मैं ये वाला लूँगा, ठीक है। ये वाला मैं लूँगा, ठीक है। ये वाला ग्रेडिएंट ले लिया। ग्रेडिएंट ले लेने के बाद आपने करना है क्या फ्रेंड, आपने इसका ब्लेंड मोड ओवरले कर देना है, ठीक। ओवरले करने के बाद आपने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर देनी है और जो कलर वाली है ना इसकी भी एक डुप्लीकेट कॉपी कर देनी। ऊपर वाले की कॉपी ना करें आप, कलर वाले की एक डुप्लीकेट कॉपी कर दें, ऊपर वाले को कॉपी ना करें, ठीक है। अब आपने फर्स्ट वाली लेयर में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। पिक्सल जो है ना ये पहले ही आपने डी सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आ गए। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और इसकी सेटिंग में जाना। ये देखें दो लाइन सी बनी हुई है। यहाँ पर आपने इसको इन्वर्ट पे क्लिक करना है तो ये ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के बाद आपने फिर एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने इन्हें ग्लो में, ग्लो आप टू दो पर भी रख सकते हैं, वन पर भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने टू पर रख लिया। अब आपने ना इसका ब्लेंड मोड यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है, ठीक। कॉपी कर ली। अब आपने करना क्या है, इस पर एक दफ़ा फिर ग्लो लगा देनी है। ग्लो लग गई। आपने इस कलर वाली लेयर में आ जाना है, ठीक है। इसमें कलर वाली लेयर में आने के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने सेचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेनी, कलर थोड़ा सा तेज़ कर लेना है आपने। ज़्यादा कलर हो गया तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। अब आपने, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो गिलास फॉन्ट है ना फ्रेंड ये रेडी हो गया। आपने इस डन पर क्लिक करके इसको सिंपली सेव कर लेना है। तो
फ्रेंड यार लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार किया करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती तो लाइक ज़रूर किया करें, अपनी कीमती राय का इजहार किया करें। तो फ्रेंड आज का हमारा बस ये था ट्यूटोरियल। अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।